डिस्क्राइब अ न्यू डेवेलपमेंट इन योर कंट्री और द ए एरिया वेयर यू लिव उस एक नई डेवेलपमेंट के बारे में बताएं आपकी कंट्री में या फिर एरिया में जहाँ पर आप रहते हो अगस्त 2024 का न्यू कार्ड है गाइस विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी या मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही ईजी मैथड में प्रिपेयर किया है अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और मेरे कोर्सेज पर गाइज फिफ्टी डिस्काउंट चल रहा है जल्दी जल्दी से अपनी आय क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आगे इसके बुलेट पॉइंट्स अब फर्स्ट इज वट एंड वेयर द डेवलपमेंट इज कहाँ और क्या डेवलपमेंट हुई वट इट वॉज लाइक बिफोर यह पहले किस तरह की थी हाउ लॉन्ग इट टू कम्पलीट इट इसे कितना टाइम लगा कम्प्लीट होने में हाउ पीपल फील अबाउट इट लोग इसके बारे में कैसे महसूस करते हैं एंड एक्सप्लेन हाउ इट हैज इम्प्रूव द एरिया यू लिव इन और एक्सप्लेन करें कैसे इस चीज ने आपका एरिया को इम्प्रूव कर दिया जहाँ पर आप रहते हो गायज हो सकता है बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में डिफरेंट आ जाए बट आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हो एंड गायज जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग पी डी एफ है वो अवेलेबल आप नीचे दुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिकेशन को ऑन कर लो स्टार्ट so, करते हैं नो no डाउट कोई शक नहीं है डेवलपमेंट प्लेज पैरामाउंट रोल इन कंट्रीज प्रोग्रेस वेल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री की तरक्की में रीसेंट डेवलपमेंट विच इज अबाउट द एजुकेशनल सेक्टर वेल आज मैं एक रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एजुकेशनल सेक्टर्स को लेकर अराउंड ट्वेल्व मंथस बिफोर लगभग बारह महीने पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मिस्टर भगवंत मान इनऑग्रेटेड द फर्स्ट स्मार्ट स्कूल इन माई सिटी बारह महीने पहले सीएम ऑफ पंजाब मिस्टर भगवंत मान ने पहला स्मार्ट स्कूल को इनाग्रेट किया था मेरे शहर में एंड आल्सो ही अनाउंस टू रिप्लेस द ओल्ड मॉडल स्कूल्स विद न्यू स्मार्ट स्कूल्स इन ऑल सिटीज एंड विलेजेस ऑफ पंजाब उन्होंने अनाउंस भी किया पुराने ओल्ड मॉडल स्कूल्स को नए स्मार्ट स्कूल के साथ रिप्लेस करने के लिए सभी शहरों और गाँव में पंजाब के जितने भी है आप यहाँ पर अपनी स्टेट या और सिटी का नाम ले सकते हो अर्लियर द ओल्ड मॉडल स्कूल हैड नॉट इनफ फैसिलिटीज विच हैड अफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स एजुकेशन एज दे व नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली वेल पहले जो पुराने स्कूल थे उनमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी बच्चों के लिए जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ता था और वह अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाते थे दिस होल प्रोसेस टुक थ्री मंथ्स टू चेंज द स्कूल इन टू स्मार्ट स्कूल वैल well, इस सारे प्रोसेस ने तीन महीने लिए पुराने स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में चेंज करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए

चैनल इन दोपमेंट के बारे में लोकल न्यूज पेपर और लोकल न्यूज चैनल से पता चला आ, उन दिनों की एक बने के एंड ही टुक वेरी गुड इनिशियटिव टू इम्प्रूव एजुकेशन फील्ड और उन्हें बहुत एक अच्छा इनिशियटिव लिया एजुकेशन फील्ड को इम्प्रूव करने का ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ नाउ स्मार्ट स्कूल आर फुलटीज सच एस लाइब्रेज एंड एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर वीक स्टूडेंट and आजकल जो स्मार्ट स्कूल्स हैं उनमें सारी फैसिलिटीज़ है जैसे लाइब्रेरीज और एक्स्ट्रा क्लासेस भी है वीक स्टूडेंट्स के लिए इन एडिशन इसके साथ ही लॉ मेकर्स मेकरस प्रोवाइडेड स्मार्ट क्लासेस इन ऑल क्लासेस टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग एंड मोर अंडरस्टैंडेबल लॉ मेकर्स ने सभी ही क्लासेज में स्मार्ट क्लासेज भी प्रोवाइड की है स्टडी को इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आई पर्सनली थिंक इट विल हेल्प द पीपल्स टू गेट एजुकेटेड इन अ बेटर वे मुझे पर्सनली लगता है कि यह पीपल्स यानी कि स्टूडेंट्स को बेटर वे में एजुकेट करने में हेल्प करेगी डेयर फोर दे मे हैव ब्राइट फ्यूचर सो मुझे लगता है कि उनका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है आई ऑल्सो टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट दीज स्मार्ट स्कूल्स मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इन स्मार्ट स्कूल्स के बारे में बताया है ऑल ऑफ दैम वर अमीज दैट पब्लिक स्कूल्स आर गोइंग टू बी बैटर दैन प्राइवेट स्कूल्स वह सभी इस चीज को जानकर बहुत हैरान है कि पब्लिक स्कूल्स ज्यादा बेटर होने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल से अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा दिस लॉन्च ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड मी टू रिकमेंड माई यंगर ब्रदर फॉर फर्दर एजुकेशन इन दिस स्मार्ट स्कूल विच इज़ फार बेटर दैन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नाउ इसके अलावा इस लॉन्च ने मुझे भी प्रभावित किया है रिकमेंड करने के लिए अपने यंगर ब्रदर को फर्दर एजुकेशन इस स्मार्ट स्कूल में लेने के लिए क्योंकि जो कि क्योंकि यह बहुत बेटर है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आजकल इन माई एरिया मेरे एरिया में पीपल आर हैप्पी विद दिस improvement बिकॉज their children चिल्ड्रन टेक मोर इंटरेस्ट इन स्टडीज़ मेरे एरिया में लोग बहुत खुश हैं इस इम्प्रूवमेंट में क्योंकि जो उनके बच्चे हैं अभी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं स्टडीज़ में पढ़ाई में दिस इम्प्रूवमेंट हैज़ इंक्रीज लिटरेसी रेट ग्रेजुअली इन माई स्टेट इस इंप्रूवमेंट ने लिटरेसी रेट को मेरे एरिया में धीरे धीरे बढ़ा दिया है यानी कि मेरे राज्य में सो दिस इज़ अ रिसेंट डेवलपमेंट इन माई नेशन विच विल हेल्प टू प्रोग्रेस द नेशन बाई एजुकेटिंग चिल्ड्रन सो यह एक रीसेंट डेवलपमेंट है मेरे देश की जो की मदद करेगी देश को और प्रोग्रेस करने में बच्चों को पढ़ाकर एजुकेट करके गायस डू यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर स्कोर इन राइटिंग देन वर्क ऑन इंप्रूव योर योर सेंटेंस सेंटेंस फॉर्मेशन ब्रिंग इन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो वर्क ऑन टास्क रिस्पॉन्स एंड कॉर गाइज जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियोज में देखने को मिल जाएंगे और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गायस जो नीचे आपको सब्सक्राइब के ऑप्शन दिख रही है सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू गाइस विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम आई डी एंड फॉर माई स्पेशल पी डी एफ यू गॉयज कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर थैंक यू सो मच गॉयज